दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख इतिहास के पवित्र गुरुद्वारा श्री हरिमंदर साहिब के बारे में, जहां पर लाखों की गिनती में लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और यहां पर आने की वजह उनकी अपार भक्ति और श्रद्धा भावना है। और यहां पर आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और इस जगह पर जरूर ऐसे सच्चे गुरु का वास होगा जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से खींचा चला आता है। आज हम आपको बात बताएंगे एक ऐसे आदमी की जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन हरिमंदर साहिब में आकर उसको भगवान के होने का पक्का सबूत मिला। तो आइए बात करते हैं बासु भारद्वाज नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जो अमेरिका के नासा में एक साइंटिस्ट था और उसकी पत्नी मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर थी। और बासु भारद्वाज अमेरिका में ही रहते थे, पर उनकी वाइफ और उसकी बच्ची भारत के एक सूरत शहर में रहते थे। अमेरिका में रहते हुए बासु को पता चला कि उन्हें हड्डियों का कैंसर हो गया है और हड्डियां पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। अमेरिका के डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि शायद एक महीने से ज्यादा अब वो जिंदा ना रह सके। कानों से सुनना तो बिल्कुल जैसे बंद ही हो चुका था और आंखों से भी बहुत कम दिखना शुरू हो गया था। दिमाग तो काम था लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। बासु अमेरिका से वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास आ गए और मौत जैसे उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार उनका घर में पता लेने के लिए आते थे और बासु के घर के पास ही एक केसर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जो कि बासु का बचपन का दोस्त था। केसर सिंह बासु के घर में रोज उसका हालचाल पूछने के लिए आता था। उसने देखा कि बासु दिन पर दिन बीमार होता जा रहा है। ये देखकर केसर सिंह ने बासु को कहा कि क्यों ना तुम अमृतसर के श्री हरिमंदर साहिब चलो और जहाँ पर गुरबानी का वास है वहाँ पर बहुत ही ताकत होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहाँ पर जाकर ठीक जरूर हो जाओगे। लेकिन बासु एक साइंटिस्ट था और वह भगवान में बिल्कुल नहीं मानता था। वो सिर्फ डॉक्टर्स की बात मानता था और किसी भी गुरुद्वारे में जाना उसको गवारा नहीं था क्योंकि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और केसर सिंह भी उसका दोस्त था और उसने रोज रोज उसके घर में जाकर बासु को मनाना शुरू कर दिया। एक दिन बासु ने सोचा कि मेरा ये बचपन का दोस्त है और इतना कह रहा है, क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं। और केसर सिंह को उसने जाने के लिए कह दिया। केसर सिंह ने हरिमंदर साहिब में कॉल करके अखंड पाठ साहिब रखवा दिया और बासु अपनी फैमिली के साथ हरिमंदर साहिब आ गए और चार सिख सेवादार उठाकर बासु को हरिमंदर साहिब के अंदर लेकर आए और दुखभंजन बेरी के नीचे उन्हें स्नान करवाया। तभी बासु ने फील किया कि जैसे उनकी बॉडी में एक हरकत सी हुई और स्नान करने के बाद सिख सेवादार बासु को उठाकर वहां पर ले गए जहां पर गुरबानी पाठ चल रहा था। बासु को सुनाई तो बिल्कुल भी नहीं देता था और ना ही उसे पंजाबी आती थी, लेकिन फिर भी उसने पाठ की हजूरी में 8 घंटे बिताए। और 8 घंटे के बाद जब सुखमनी साहब का पाठ आरंभ हुआ तो बासु ने कहा कि वो उठकर बैठना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी हड्डियां बहुत ही कमजोर है, अगर आप उठकर बैठेंगे तो वो टूट भी सकती हैं, इसलिए आप बस लेटे ही रहिए। लेकिन बासु ने जिद की कि वह बैठना ही चाहता है। जैसे भी करकर उसकी पत्नी और सेवादारों ने बासु को उठाकर बिठा दिया और जैसे ही बासु उठकर बैठा तो पास ही उसकी बेटी बैठी थी और उसने देखा कि उसके माँ बाप इकट्ठे बैठे हैं और उसने सोचा कि शायद पता नहीं ये दोबारा टाइम आए या ना आए कि जब उसके माँ बाप इकट्ठे बैठे, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता और माँ की फोटो खींचने लगी। अलग अलग एंगल से जब वो अपने पिता की फोटोज खींच रही थी उसी टाइम 1 फीट ऊंची एक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब में से निकली और 8 मिनट तक वहीं पर रही। और ग्रंथी साहब पहले तो घबरा गए लेकिन उन्होंने गुरबानी पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के 4 अंक उसी जोत की रोशनी में पढ़े और 8 मिनट के बाद वो जोत 2 हिस्सों में बटकर बासु के पास आकर उनके दोनों हाथों में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करने के बाद बासु का सारा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया हो और उनके शरीर में जैसे ताकत सी आ गई हो और उनके सुनने की शक्ति बिल्कुल वापस आ गई और उन्हें गुरबानी साफ साफ सुनने लगी। उन्होंने जो 6 नंबर का चश्मा लगाया हुआ था उसमें बासु को धुंधला सा दिखने लगा। जब उन्होंने अपना चश्मा उतारा तो उन्हें साफ साफ दिखना शुरू हो गया और ये सब नजारा उसकी बेटी के फोन में भी कैप्चर हुआ। और जोत के प्रवेश करने के बाद शरीर में पूरी तरह से जान आ गई और बासु ने अखंड पाठ पूरे का पूरा वहां पर बैठकर सुना। जिस बासु भारद्वाज को 4 लोग उठाकर हरिमंदर साहिब में लेकर आए थे, अब वही बासु ने अपने पैरों पर चलकर पूरे हरिमंदर साहिब की
परिक्रमा की। यह देखकर वहां पर मौजूद हर व्यक्ति गुरु की महिमा गाने लगा, जहां पर साक्षात भगवान ने अपने होने का सबूत दिया। बासु जब सूरत वापस आया तो डॉक्टर्स ने उनके सारे टेस्ट दोबारा किए और टेस्ट करने के बाद उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई और उन्होंने देखा कि बासु को कैंसर नहीं है। और यह देखकर बासु का भगवान में विश्वास अटल हो गया और उसे पता चल गया कि हाँ, सच में भगवान है जिसने बासु को एक नया जीवन दान दिया। और बासु आज भी ये बात अपनी जुबानी सबको बताता है। दोस्तों, YouTube पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर बासु भरद्वाज अपनी कहानी खुद अपनी जुबानी बता रहा है, जिन्हें आप YouTube पे सर्च करके उनकी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।